हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राजीव राज एंड वेलकम टू माय चैनल पटना दर्शन। पटना दर्शन में आज हम जानेंगे बिहटा के बारे में। बिहटा भारत के बिहार राज्य के अंतर्गत दानापुर अनुमंडल के पटना जिले का एक छोटा सा शहर है। इसे ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। बिहटा मनेर विधानसभा क्षेत्र और पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यह पटना के 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर हम इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि इसके भौगोलिक स्थिति यानी बिहटा पटना जिला के पश्चिमी किनारे पर सोन नदी के पूर्व 5 किलोमीटर, मनेर शरीफ के दक्षिण 10 किलोमीटर, विक्रम से उत्तर 15 किलोमीटर तथा सदीशोपुर से पश्चिम 5 किलोमीटर, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 तथा सजकीय उच्च पथ संख्या 2 पर हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर बिहटा रेलवे स्टेशन अवस्थित है। बिहटा के डुमरी में 220x132x33 केवी पावर ग्रिड सब स्टेशन है, जहां अप्रैल 2019 में संचालन शुरू हुआ। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबी 4 लेन दानापुर शिवाला बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह राजमार्ग 2022 तक पूरा हो जाएगा और पटना से दानापुर रेलवे स्टेशन और शिवाला चौक के माध्यम से आगामी सिविल एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। कुल 20 किलोमीटर लंबाई में से 17 किलोमीटर ऊंचा होगा। ऊंचा हिस्सा कन्हौली गांव के पास बिहटा सरमेरा रोड के जंक्शन पर समाप्त हो जाएगा। उस जंक्शन से सड़क बिहटा हवाई अड्डा को जोड़ने के अलावा बिहटा चौक तक जाएगी। इस फिर से बिहटा चौक पर बढ़ाया जाएगा। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो बिहटा का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में श्री चंद्रिका सिंह, श्री गंगा शरण सिंह जैसे लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ के चीनी मिल का चीनी कभी पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था और यह आसपास के किसानों के लिए नकदी फसल गन्ना का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण 1990 के आसपास चीनी मिल को बंद करना पड़ा और इस क्षेत्र से गन्ने की खेती लगभग विलुप्त ही हो गई या हो भी गई है। पिछले 2 दशक से यहाँ के किसान चीनी मिल के फिर से चालू होने की आस में थे, लेकिन बिहार सरकार द्वारा चीनी मिल के पुराने भवन को तोड़ के उस जमीन एक शुष्क बंदरगाह का निर्माण कराया गया है, जिसके कारण अब किसानों की यह आशा भी समाप्त हो गई है। अगर हम बात करें बिहटा के शैक्षणिक संस्थान की तो आईआईटी पटना का परिसर 501 एकड़ साइट पर बिहटा ब्लॉक के अमहारा और दिलवारपुर गांव के मानकों में स्थित है। बिहार सरकार ने बिहार के अमहारा गांव में एनआईटी पटना को 100 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है और आज यहां एनआईटी सुचारू रूप से चल रहा है। 7 जुलाई 2018 को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन सभापति मीरा कुमार द्वारा किया गया था और आज यह पूरी तरह सुचारू रूप से चालू है। यह अस्पताल बिहटा के 25 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है, जिसे तैयार करने में लगभग 523 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है तथा यह 500 बिस्तर वाला अस्पताल है। 3 जून 2013 को केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बिहटा में नाइलेट के अस्थायी परिसर का आधारशिला रखा। पटना के 40 किलोमीटर पश्चिम में इस छोटे से शहर में भूमि की कीमत पिछले कुछ वर्षों में आसमान में उछाल आई है। बिहटा के अमहारा गांव में दिल्ली जैसी सुविधा से लैस आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, ईएसआईसी अस्पताल के प्रारंभ हो जाने की वजह से यहां के अमहारा, कंचनपुर या दिलावरपुर जैसे गाँव में भी एक कट्ठा ज़मीन की कीमत 15 से 20 लाख रुपये हो गई है। कुछ साल पहले यही ज़मीन 2 से 2.5 लाख रुपए और अमहारा जैसे गांव की ज़मीन 25 से 50 हज़ार रुपए में उपलब्ध था। पटना जिला के बिहटा में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF का मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, जो कि 25 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है। इस तरह शैक्षणिक, औद्योगिक के बाद अब रियल ई एस्टेट के क्षेत्र में हो रही समावेशी विस्तार ने
बिहटा प्रखंड के 26 पंचायतों की खूबसूरती बढ़ा दी है। बात करें यातायात की तो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए बिहटा में 126 एकड़ जमीन की अधिग्रहण कर ली है, जो सगुना मोड़ से बिहटा तक 21 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। बिहटा एयरपोर्ट रनवे की लंबाई वर्तमान की लंबाई में 8,200 फीट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राज्य सरकार को 156 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव दिया था ताकि रनवे की लंबाई बढ़ाकर 12,000 फीट किया जा सके, ताकि बोइंग 747 जैसे विमान एवं बोइंग 737 जैसे विमान यहां आसानी से लैंड कर सके, जिसे बिहटा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सके। एवं बिहटा की प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ बिहटा एयरफोर्स स्टेशन, IIT पटना, NIT पटना, NSIT, प्रसिद्ध बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर, माँ वन देवी मंदिर, सुस्त बंदरगाह, स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम, श्री गजाधर चार जनता महाविद्यालय, ठाकुर प्रसाद उच्च विद्यालय आदि प्रमुख स्थान उपलब्ध है। अगर बात करें बिहटा के प्रमुख व्यक्ति की तो स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रिका सिंह एवं श्री गंगा शरण सिंह, जो कि कंचनपुर गांव के निवासी थे, वह स्वतंत्रता सेनानी श्री रामनाथ शर्मा अम्हारा गांव के निवासी एवं वाइस चांसलर ऑफ मगध यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ब्रजनंदन रावत, जो कि मेरे ही परिवार से संबंधित व्यक्ति अम्हारा गांव के निवासी थे। इस तरह से हम लोग ने संक्षेप में बिहटा शहर की जानकारी प्राप्त की। अतः यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पटना दर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद दें। अगर आप भी अपने शहर के बारे में वीडियो लेक्चर बनवाना चाहते हैं तो आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।